अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पब्लिक स्लैब विद फहद नवाज सीज़न 2 आप लोगों का मकबूल तरीन प्रोग्राम और आप लोगों का फेवरेट प्रोग्राम और आपका पसंदीदा तरीन प्रोग्राम जो कि 105 मुल्कों में आप लोग देखते हैं और मुझे फ़ोन कॉल्स भी करते हैं कि सर आपके जो भी गेस्ट होते हैं वो वाकई पब्लिक स्लैब होते हैं। तो ऐसा ही एक हसीन चेहरा जो शोबिस के उफक पर आया और आते ही वो छा गया और उसकी रोशनी से बाकी सितारे मांद पड़ना शुरू हो गए। मैं आपको ज़्यादा सस्पेंस में नहीं डालूंगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली नन अदर देन हनी शहजादी साहिबा। जी हनी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल DMH न्यूज़ मैं खुश आमदीद कहता हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच जी, आपने मेरी इतनी तारीफ की और प्लस आपके चैनल के लिए कि 105 ममालिक में इसको एक टाइम में देखा जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है और ज़बरदस्त। चलिए इसी बहाने से हमें प्यार करने वाले लोग हमें भी देखेंगे और आपके थ्रू ही से, इस चैनल के थ्रू ही से ही तो लोग हमें प्यार करते हैं, देख लेंगे। नहीं मैम, देखें आपको तो पूरी ग्लोबली पूरी दुनिया में आपने पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा परचम रोशन किया, आपने कामयाबी के झंडे गाड़े, पूरी दुनिया में आपकी फ़ैन फॉलोइंग है। हम एक कोशिश कर रहे हैं कि हमारे वो सितारे जो लोगों की पहुंच से अप्रोच से दूर होते हैं या उनकी निजी ज़िंदगी के मुतालिक उनको, क्योंकि आप इंस्पिरेशन हैं, आप बहुत सारे लोगों का इंस्पिरेशन हैं। डेफिनेटली ऐसे ही होता है। और मेरा ये वतीरा रहा है हमेशा से, 22 साल से मैं टॉक शोज़ वगैरह कर रहा हूँ, तो मैंने हमेशा ऐसे ऐसे यूनिक आर्टिस्ट मैं अपने प्रोग्राम में लेकर आता हूँ जिस तरह आप हैं। तो ये मेरे लिए बायस फ़ख्र है कि आप मेरे चैनल में आए, मेरे प्रोग्राम में आई और उम्मीद करता हूँ कि आप नेक्स्ट भी आते रहेंगे इंशाल्लाह। जी थैंक यू सो मच, आपने बुलाया और लगता है पब्लिक को यह हमारा प्रोग्राम भी अच्छा लगेगा। नहीं इंशाल्लाह। और आज हम सीरियस नोट पे बात कम करेंगे और मैम हनी आपको नहीं पता कि ये कितनी जॉली तबीयत की मालिक हैं। नाज़रीन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि बहुत इनकी तबीयत ख़राब है लेकिन बिलीव करें कि ये इतनी डाउन टू अर्थ हैं और इनकी मतलब नेचर में इतनी कर्टसी है कि ये कभी ना नहीं करती हैं। और स्पेशली जर्नलिस्ट और सहाफ़ी हजरात की ये बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, इस वजह से ये देखिए आज तक शोबिज़ का कोई सेगमेंट ऐसा नहीं है जिसमें इन्होंने काम ना किया हो, रादर वो एक्टिंग है, वो सिंगिंग है, वो मॉडलिंग है, वो प्रोडक्शन है, वो डायरेक्शन है। इन सारे सेगमेंट्स में हनी मैम ने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं एज ए होस्ट एज ए गेस्ट ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड एवरीथिंग और इवन मॉर्निंग शो लाइव ऑन लाइव जाना समटाइम हम लोग भी थोड़े से शेकी हो जाते हैं, बट हनी आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है मतलब अप टू स्काई हाई। अल्हम्दुलिल्लाह उसका बिकॉज ऑफ क्या सीखती हो ना, जैसे आप जैसे सीनियर हमारे पास एंकर मौजूद होते हैं, टाइम इतना आप लोगों ने स्पेंड किया होता है, देख के सीखना चाहिए, अन करना चाहिए, किसी भी चीज़ से आपको सीखने की ज़रूरत पड़ती है तो आप करें, तो मैं सीखती हूँ तो वो फिर वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता रहता है। लेकिन अजीम ये इससे आपको क्या सबक मिला, एक इंतहाई मंझी हुई आर्टिस्ट वो ये कह रही है कि मैं सीखती हूँ सबसे, चाहे वो जो भी हो हर मौके पर वो सीखती हैं और दिस इज़ द की ऑफ सक्सेस, ये इनकी सक्सेस का एक राज है। यस अच्छा नहीं प्रोफेशनल या ऑफिशियल बातें तो होती रहेंगी, आप कैरियर आपका कैरियर तो माजी है, आपकी कामयाबी पे किताबें भी लिखी हुई हैं, आपके कामयाबियों पे आपके मतलब जो ऑफिशियल प्रोफेशनल लाइफ है उस पर लोगों ने बहुत कुछ बोला, आज कुछ आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ हो जाए। जी जी ज़रूर क्यों नहीं। अच्छा सबसे पहले तो हमारे जो व्यूअर्स हैं जो 105 कंट्रीज़ में आपको राइट नाउ देख रहे हैं, उनकी बड़ी क्यूरियोसिटी है, वो ये जानना चाहती हैं कि मैम हनी की फिटनेस का राज क्या है, कौन सी ऐसी डाइट है जो आप लेती हैं रेगुलर बेसिस पे और स्टिल यू आर फिट एंड
यंग तो आप हैं बट फिटनेस इज अ डिफरेंट थिंग. नहीं कुछ ये तो मेरा नॉर्मल रूटीन है, कुछ डिफरेंट नहीं है. खाना पीना बस ये चीज़ होता है कि हम लोग ज़रा खाने पीने से बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं. इतना ज़्यादा जैसे मुझे अभी करेक्टर की ज़रूरत थी, जैसे मेरा सीरियल होने था उस्मान साहब के साथ, इसमें मुझे अपने वेट को गेन करना था, फिर मुझे अपने वेट को गेन करना पड़ा क्योंकि मेरा करेक्टर ऐसा था. अब उसके बाद अब वो दो ढाई साल का प्रोजेक्ट छोड़ा, उसके बाद अब उसको कम करना वो भी बड़ा टफ लग रहा है. तो ये हमारी लाइफ, हम लोग जीते भी आप लोगों के लिए, खाते भी आप लोगों के लिए, पीते भी आप लोगों के लिए, अपने लिए हम लोग कम ही करते हैं जो करते हैं क्योंकि आप लोगों ने हमें देखना होता है. तो इसलिए हमारी फिटनेस यही है, खुश रहना. अच्छा व्यूअर्स, मुझे याद है, आई डू रिमेंबर हनी, अगर मैं आपसे वो चीज़ शेयर करूं, सिर आई डू रिमेंबर के वंस इस्लामाबाद में एक बहुत बड़े ब्रांड का एक कैटवॉक था और उसमें आप शो स्टॉपर बनी थी और उसमें उनकी रिक्वायरमेंट थी कि आप बिल्कुल स्लिम स्मार्ट और बिल्कुल एक लड़की सी नज़र आएँ. और उससे पहले आपने एक ड्रामा सीरियल किया था जिसमें रिक्वायरमेंट ये थी कि आप बल्कि नज़र आएँ. तो विद इन अ मंथ आपने अपने आप को कैसे स्क्वीज किया, आपने श्रिंक किया अपने आप को? इस चीज़ के लिए भाई साहब, इस चीज़ के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है. अपने जो खाना पीना हर चीज़ को ख़त्म करना पड़ता है. अब जितना ज़्यादा होता है ब्लैक कॉफ़ी पे आ जाते हैं और इतनी वॉक करनी पड़ती है, मॉर्निंग वॉक और नाइट में, फिर हम टू टाइम वॉक्स करते हैं, फिर खाना पीने से आदि हो गया, फ्रूट सैलड ले लिया, कुछ लिक्विड वेट चले गए, एक्सरसाइज कर ली और हमारा वर्क इतना हार्ड होता है वो कर लिया, फिर अपने वेट को कम करना, रिड्यूस करना, ये सबसे मुश्किल काम है, ये टफ है आपकी लाइफ का. बिल्कुल ठीक है. अच्छा मैंने आप में ये चीज़ भी देखी है कि आप अपने पूरे घर को, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बहुत प्यारा हसीन घर दिया है, लेकिन इस घर की तज़ीनो आराइश और इसकी सफाई सुथराई, इवन के ड्रेसिंग मैंने खुद आपको अपनी आंखों से करते हुए देखा है. तो मतलब एट दैट टाइम आई वाज स्टंड के ये इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं और अपने घर को खुद ही, हालांकि माशाल्लाह आपके पास एक सेलिब्रिटीज़ तो हम लोगों के लिए होते हैं, अपने घर फैमिली के लिए नहीं. और मुझे अच्छा लगता है, मैं सफाई पसंद बहुत ज़्यादा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे करीब है, बल्कि सब भी ये कहेंगे, मुझे बहुत नफ़रत है, मैं गंदगी में रहना पसंद नहीं करती. और मुझे अपना घर साफ रखना, नीट एंड क्लीन करना, खुद सफाई करना, नहीं कोई काम अच्छा किसी ने मुलाजम ने किया तो मैं खुद करना शुरू हो जाती हूँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हम भी इंसान हैं, आर्टिस्ट बिल्कुल नहीं करते बहुत सारे लोग, लेकिन मैं करती हूँ. मुझे सफाई करना, घर को साफ रखना, किचन में जाना, मेरा दिल किया खाना बनाना, तो मैं सब कुछ करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे सब कुछ करना आता है. माशाल्लाह वेरी गुड. अच्छा हनी, आपके बारे में एक ही चीज़ बहुत मशहूर है कि आप जब भी किसी सेट पे होती हैं और रिकॉर्डिंग चल रही होती है तो एट दैट टाइम अगर कोई आपका फ़ैन आपके साथ आ जाता है और आपकी मतलब उसमें मोहब्बत में और प्यार में और आपकी फ़ैन फॉलोइंग में, वो आपसे कहता है कि मैंने एक सेल्फ़ी बनवानी है, तो आप रिकॉर्डिंग रुकवा देती हैं और पहले अपने फ़ैन को आप सेल्फ़ी बनवा गई. जो ये तो ये बहुत नॉर्मल रूटीन हो गया अब तो हर बंदा. इतनी स्लैब्स हमारे पाकिस्तान में निकल आई हैं, पहले तो सेलेब्रिटीज़ एक चंद गिने चुने होते थे, अब तो हर एक, इतने एक हमें प्लेटफॉर्म मिल चुके हैं, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से लोगों को शोहरत मिल गई है. हम लोगों ने स्ट्रगल की, थोड़ी की, बहुत ही की, लेकिन की करके नाम बनाया, हमें शॉर्टकट रास्ता नहीं मिला. बिल्कुल. तो हमें लोग जो प्यार करते हैं वो जेन्युइन लोग हैं और हमारा जो फेम है चाहे वो थोड़ा ज़्यादा है, ये देर पर है, ये वो शॉर्ट टाइम के लिए नहीं है क्योंकि हमने शॉर्ट टाइम से लिया नहीं है. हमारे पास क्रेडिट है, टीवी का है, फिल्म का है, थिएटर का है, हर चीज़ का हमारे पास क्रेडिट है, इनके पास क्रेडिट नहीं है. एक आप ऐप यूज़ करने से मेरे ख्याल में कोई, ये टाइम टू टाइम आप स्टार हैं, एक परमानेंटली आपका कुछ भी नहीं होता. तो जो हमसे प्यार करते हैं तो उनके लिए फिर हम, वही तो हमें स्टार बनाते हैं. अगर उनको टाइम नहीं देंगे, पिक्चर्स नहीं बनाएंगे, तो फिर हम किस तरह स्टार बनेंगे? उनकी दुआओं का सदका तो सब कुछ है. अभी मैंने ये भी देखा है कि आपको बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि जी नहीं, हमने हनी शहजादी को ही अपने ड्रामे में लेना है. लाइक अगर मैं उस्मान पीर रज़ा साहब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, शोबिज इंडस्ट्री का. तो एक दफ़ा डिबेट हो रही थी, हम सब लोग उधर बैठे हुए थे, तो
हीरोइन की जब बात आई तो वो अपनी जगह पे अपनी मौका पे कायम रहे कि नहीं, मैंने हनी शहजादी को ही इसमें लीडिंग रोल देना है। बहुत अच्छे हैं संगीता बाजी, बहुत अच्छी, बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। राना नूरल हसन जिनका प्रोजेक्ट था, हाँ जी, क्या बात है, बहुत अच्छे इंसान हैं और उनके प्रोजेक्ट में काम करके बड़ा मज़ा आया। टोटली की जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे ना, इतना हम लोगों ने काम किया मिलजुल के, सीनियर अफान को सर साहब जितने भी थे आर्टिस्ट, इतना टीवी में काम करके मज़ा आता है मुझे तो। वैसे ही वो बहुत लोग पसंद हैं और अच्छा लगता है उनके साथ काम करने के लिए, उनका प्यार है। और अल्हम्दुलिल्लाह भी मेरे न्यू प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जैसे तीन मेरी मूवीज आ रही हैं। एक मिनट नाज़िम, हनी ने अभी कहा कि अभी इनके नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो नए प्रोजेक्ट्स के बारे में हम आपसे आपको बताएंगे हनी से पूछ के कि वो क्या हैं। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक हम आपसे लेंगे, बट डोंट गो अवे एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक विद इन मिनट और टू। नाज़रीन, ब्रेक से पहले जाने से पहले हनी हमें बता रही थी अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, हनी जो हैं वो लीडिंग सियासी जमात की तरफ से पंजाब की सदर सेलेक्ट की गई स्पोर्ट्स की। अब कहाँ शोबिस और कहाँ स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स के मैदानों में इन्होंने जो कारनामे सर अंजाम दिए वो हम इनसे ही पूछेंगे। जी जैसे हमारी गवर्नमेंट आई पीटीआई की, तो स्पोर्ट्स और कल्चर विंग की मैं प्रेसिडेंट थी। गुड, तो अब तो सबका कह सकते हैं नो इशू, ये तो लाइफ ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, चलता रहता है। तो बहुत अच्छा, ज़बरदस्त था, लेकिन मैंने अपने ओहदे से कोई नजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैंने अपने साथी फनकारों को, जितने उनको नहीं जो साहिब हैसियत है उनको, उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करती हूँ और अभी तक करती हूँ। ये सबको पता है कि मेरी वजह से अगर किसी को बेनिफिट होता हो, अगर मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी के लिए कुछ ना कुछ करूँ, और करना चाहिए। अगर अल्लाह पाक ने आपको इस काबिल बनाया है कि आपकी वजह से किसी का कोई एक पल की खुशी भी मिल जाए ना, तो आप उसको ज़रूर दो, उसको देने में कंजूसी मत करो। जी बिल्कुल हनी, बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। और अच्छा हनी, ये जो महंगाई का एक तूफान आया हुआ है, मुबारक हो। पाकिस्तान ने पुराने पाकिस्तान में कम बैक करने के लिए, उन तमाम दोस्तों के लिए, हम बुरा नहीं कहते किसी भी पॉलिटिक्स, क्योंकि मैं पीटीआई की हूँ, इमरान खान साहब मेरे लीडर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनकी खदमात पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन इतना नहीं रोए थे, इतना नहीं तड़पे थे, इससे बेहतर यार कोरोना आया था, उससे वैक्सीनेशन आई, उससे फिर भी हम बच गए। अल्लाह पाक ने क्या कमाल किया, उससे बड़ा अजाब आ गया कि अब हम बच नहीं सकते, कि 25 रुपए बैठे बैठे पेट्रोल और बढ़ गया, 211 10 बोल के 211 रुपए लीटर दे रहे थे। मैं अभी आई हूँ ट्रैवल करके, जब मैं ड्रामा करने के लिए गई हूँ कल रात के लिए, मुझे पता चला कि 25 रुपए अभी फिर बढ़ गया। मुबारक हो, ना पेट्रोल डलवा सकते हैं, ना रोटी खा सकते हैं घर में। जो 2000 बढ़ाया है वो 2000 पास रखें, 2000 से तो 4 किलो ऑयल नहीं आना, 600 रुपए 10-20 का ऑयल हो चुका है, तो इतनी महंगाई होगी। क्या पुराना पाकिस्तान है, मज़ा आ गया। अब जो लोग पुराने पाकिस्तान में वापस आना चाहते थे, उनको मेरी तरफ से गुड लक है कि अल्लाह पाक आप लोगों को इस तरह का पाकिस्तान मुबारक करे। अच्छा नहीं, मेरा क्वेश्चन मैं उसको फिर दोहरा वो करूँगा कि क्या इस महंगाई का जो असर है वो मुतवस्त तबके या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास पे तो पड़ा है, क्या आप पे भी पड़ा है? आप तो मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, वो बिल्कुल ही नीचे वाला तबका हो, बर्बाद या अपर क्लास हो, अपर क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि आपको फर्क नहीं पड़ा? नहीं, मुझे क्यों नहीं फर्क पड़ा, आप अपर क्लास हैं आप सर, मैं वर्केर हूँ, मैं आई एम वर्किंग,
मैं काम करने वाली बंदी हूँ, मैं सेल्फ मेड हूँ, मैं अपना काम खुद करती हूँ, मेरे पास वो कोई फैक्ट्रियां नहीं है, मेरे पास मिले नहीं है, मेरे पास कोई इतनी बिल्डिंग्स नहीं है, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो मैंने रेंट आउट की हुई है, जो मुझे कुछ आता, मैंने जो करना है कमाना है वो खाना है, मैं कहाँ से कमाऊँगी। फिर बुरा भी आर्टिस्टों के लिए बोला जाता है, औरतों के लिए स्पेशली जितनी फीमेल्स आर्टिस्ट है उनके लिए अब्यूज लैंग्वेज यूज़ की जाती है। सिर्फ ये बताएं कि अगर मर्द इस मुल्क में रह के, पाकिस्तान में हमारा जो मुल्क है उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते, औरत जायद कैसे सर्वाइव करेगी। पैसे कमाना बहुत मुश्किल, अपना घर चलाना बहुत मुश्किल, इतनी महंगाई में तो लोगों का मर जाना ही बेहतर है मेरे ख्याल में। हाँ, हम तो मर गए, हमें तो मार दिया है, और मियाँ सब क्या चाहते हैं, मार तो हमें दिया, इतनी महंगाई कर दी और क्या करना है। एक इमरान खान न्याजी ने 1.5 साल में इतनी महंगाई नहीं की तो लोगों की चीखें निकल गई। इस बंदे ने 1.5 महीने की हुकूमत में आगे बेड़ा गर्क कर दिया, तो अब कहाँ जाएं, हम लोग मरे ना, बच्चे मरेंगे भूखे, हम लोग मरेंगे, क्या करेंगे, फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना, फिर क्यों आप तनकीद करते हो। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि ये हमारी वो सेलेब हैं जो कि लोगों की आंखों का तारा हैं, लोगों की इंस्पिरेशन है, मगर वो भी इतनी मैसअप हो चुकी हैं इस महंगाई से कि उनके अंदर जो चीज़, एक जिसे कहते हैं ना कि पंजाबी में भांबड़ बलना, तो वो उन्होंने वॉमिट कर दी है, ऑन एयर वॉमिट कर दी है, एक लव वेलकिनो जिसे लावा कहते हैं वो उनके अंदर था, उन्होंने ऑन एयर ब्लंटली कह दिया, उन्होंने क्यों ना कोई वो शाय नहीं किया। तो देखिए, ये है एक सेल्फ मेड पर्सन की निशानी कि उन्होंने सेल्फ मेड इतनी स्ट्रगल की, इनकी सारी स्ट्रगल मेरे सामने है व्यूअर्स, क्योंकि जब मैं रिपोर्टिंग करता था तब भी मैंने इनकी स्ट्रगल देखी, इन्होंने आना जाना पूरी पूरी रात, मतलब शूटिंग्स करना, ड्रामे की रिहर्सल करना, और इवन ये कि अभी जैसे कि इन्होंने बताया कि ये भी आज सुबह 7:00 से इधर पहुंची हैं, और अगर 7:00 से लाहौर का अगर आप माइलेज लगाएं तो ये ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर्स बनता है, बल्कि 600 किलोमीटर से भी प्लस बनता है। हाँ जी, 6.5 किलोमीटर और 14,000 से फ्यूल से मैं घर नहीं पहुंच सकती। तो अब आप ये देख लें, अब मुझे बताएं कि हम लोग क्या करें, एक क्या कमाएं आदमी, अब वो कहां जाए। अब ये देख लें कि जहां पे इनको इतने बड़े स्टार्स को लोग ब्लंटली बुलारिया करते थे और ये फॉरेन चले जाया करते थे उनकी एक आवाज़ पे लब्बैक कहने के लिए, अब इनको मेरे ख्याल 10 बार को सोचना पड़ता है कि क्या हम वहाँ जाएं या ना जाएं। डबल खर्चा बढ़ जाता है ना, क्या करें। लेकिन पेमेंट वही है, पेमेंटें वही हैं, पेमेंट नहीं बढ़ती, पेमेंट आपको वही मिल रही है, अखराजात आपके ज़्यादा हो गए, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, अब हम 28,000 का पेट्रोल, पहले तो फ्यूल तैयार रखे ना गाड़ी में 30,000 के लिए, तो फिर जाके हम कहीं बाहर निकले सोचे। तो वैसे भी अनाउंसमेंट की है वो बाजी साहबा ने कि 2,000 रुपया हम दे रहे हैं, जो 40,000 से अगर आपकी सैलरी 40 से कम है 2,000 आपको भी मिल जाएगा। अच्छा, तो उस 2,000 के लिए हम क्या करेंगे, वो 2,000 इकट्ठा करके सारे अपने पास रखो, तुम्हारे कुछ काम आ जाएगा। हम लोगों के 2,000 से तो हम 3-4 किलो ऑयल नहीं ले सकते घरों में बच्चों को खिलाने के लिए, तो हमने क्या करें, एक बस का किराया नहीं है, ड्राइवर की टिकट नहीं ले सकते आप, अपनी गाड़ी तो छोड़ें, आपने क्या सरवाइव करना है, इतनी महंगाई है कि तौबा अस्तगफार, हमें लगता ही नहीं कि हम अपने पाकिस्तान में रह रहे हैं। अच्छा हनी, अगर आपको चांस मिलता है बरसरे इक्तदार आने का, और मुझे पूरी उम्मीद है मेरी आपकी जो पार्टी है उनके एक बहुत ही आला अहदेदार से मेरी पर्सनल बातचीत हुई है, उनका मैंने इंटरव्यू भी किया था, तो उन्होंने प्रॉपर आपका नाम लिया था, उनका था कि आने वाले वक्त में जब हम बरसर इक्तदार आएंगे तो हम मैडम हनी को एक वजारत देंगे, तो वो वजारत उन्होंने अनाउंस मुझे की थी, आपके नॉलेज में शायद वो चीज़ नहीं है, वो उन्होंने आपके लिए एक सरप्राइज़ रखा हुआ है। तो अगर आपको वजारत की ऑफ़र हो तो आप कौन सी वजारत लेना पसंद करेंगी, और उन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करेंगी जिनके अख्तियार आपको दिए जाएंगे। फाइज साहब, बात तो देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ओहदा तो मुझे पहले भी मिला है, मैं डेफिनेटली मेरी चॉइस वही होगी जिस चीज़ से, जिस शोबे से मैं रिलेटेड हूँ, कल्चरल से, यानी कि डेफिनेटली, तो मैं उससे बाहर नहीं जाऊँगी। काम वही करो जो आपको जचता हो, जिसके आपको हॉ न हो, आप वो कभी भी ना करो जिसके बारे में आपको पता नहीं है, बाद में आप अपने लीडर को भी ख़राब करो, आपकी वजह से आप बदनाम करो, उससे बेहतर आप वही काम करो जिसके बारे में आप जानते हो। तो मैं वही काम करूँगी जो मुझे आता है, जिसके बारे में मुझे पता है, तो ज़ाहिर बात है मैं अपने आर्टिस्टों
दूसरों के लिए, अपनी जात के लिए, मैं जितना भी हो सकता है सबके लिए अच्छा ही सोचूंगी। अच्छा, मैंने अभी तक बहुत सारे सकाफत के, कल्चरल के मिनिस्टर्स आए हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है, उन्होंने सिवाय तकरीरों के और जलसों के और सिर्फ नाम निहाद चेकों के, जो कभी चेक क्लियर ही नहीं हुए, हमेशा बाउंस हुए, आज तक वो काम नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि आर्टिस्टों के लिए किसी गवर्नमेंट ने नहीं, मैंने तो इंटरव्यूज किए ना, मैं तो आपको अपनी आंखों देखा, मुझे नहीं पता किसी ने कुछ किया है गवर्नमेंट ने, बातें हुई हैं, नहीं किया ना, फंड्स मिले हैं, कहां गए, बहुत फंड्स मिले, हमें नहीं मिले, जो डिजर्विंग थे उनको मिले, नहीं मिले, कहां गए, पता नहीं कहां गए हैं, कोई किसी की नहीं सुनता, सबको सिर्फ ये होता है कि ये मेरा कायद है, एक ब्राए नाम जाके सेल्फी बना ली, मुलाकात कर ली, आप लंदन में तो उधर जाके मिल लिया, इधर है तो इधर मिल लिया, ये मिलने मिलाने से, सेल्फियाँ बनाने से ये क्या होता है, काम तो वो है ना जो आपकी जात के लिए, आप अपने फील्ड के लिए, अपने लोगों के लिए सोचें। जैसे ये लोग अगर पॉलिटिक्स के लोग हैं तो ये अपने लिए सोचते हैं, अपने उन इलाकों के लिए सोचते हैं, तो आप लोग आर्टिस्ट हैं तो आप भी अपने लिए सोचें, अपनी आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए। अच्छा, सोचें, आर्टिस्ट तो हो गए, क्या आप ये वजारत लेने के बाद क्या सहाफ़ियों के बेनिफिट के लिए भी कुछ करेंगी? लेकिन ये मेरा एक पोर्शन है, तारीख इस चीज़ की गवाह है, अब तक जितने भी कल्चरल मिनिस्टर्स आए हैं उन्होंने सिर्फ दावे किए हैं, लेकिन उन दावों को पूरा करने के लिए ये सहाफ़ी कम्युनिटी है, ये हम लोगों की कम्युनिटी है, जिन लोगों ने आर्टिस्टों के लिए इतना कुछ किया कि आज भी आर्टिस्ट हमें कहते हैं कि असल मिनिस्टर्स तो आप हैं, वो लोग तो सो कॉल मिनिस्टर्स हैं। ऐसे ही सहाफ़ी, देखो सहाफ़ियों के बगैर आर्टिस्ट कुछ नहीं, कोई भी कुछ नहीं, कवरेज मिलती ही आपको मीडिया से है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो पेपर मीडिया है, वो चाहे कोई भी वो मीडिया, सोशल मीडिया है, आपको जितना भी कवरेज मिलती मीडिया के थ्रू मिलती, अवेयरनेस लोगों तक अगर किसी चीज़ की पहुंचती है ड्यू टू वो मीडिया ही है, तो डेफिनेटली मीडिया किसी के साथ खड़ा हो जाता है तो उसको बेनिफिट मिलता है। लेकिन इसमें भी चंद लोग हैं, बाकी सब बिके हुए हैं, जैसे तमाम दुनिया यहाँ पे लोटा लोटा लोटा, हर जगह में लोटे मौजूद हैं। मैं तो साफ बात सहाफ़ियों का भी, आप जी सहाफ़ियों में भी बहुत सारे ऐसे लोटे मौजूद हैं, हर जगह लोटा मौजूद है, देखने कहीं इशारा, कहीं नहीं इशारा के, बिल्कुल नहीं है, लेकिन है, सारी दुनिया को पता है कि ये ऐसी चीजें चलती रहती है कि हर फील्ड में चाहे किसी में लोटे, इतने हमारे टीम में लोटे आ गए, अभी तो 25 लोटे तो हैं ना, हाँ ना 25 लोटे गए हैं ना, तो क्या हुआ, वो सिर्फ बाथरूम के लोटे हैं, किसी काम नहीं आते। इसी तरीके से अच्छे बुरे लोग हर फील्ड में मौजूद हैं। चले अब हल्की फुल्की गुफ्तगू, किस आर्टिस्ट के साथ आपको काम करना बहुत आसान लगता है और बहुत अच्छा लगता है, को आर्टिस्ट? जफरी खान साहब, जफरी के साथ। और टीवी चैनल पर ड्रामा में? संगीता वाची, अरफान खोसर जी, उस्मान पीरजादा, और काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं और भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके साथ मुझे बहुत मज़ा आता है। और किन के साथ बहुत मुश्किल लगता है, जो बहुत मुश्किल टफ टाइम देते हैं? मेरे ख्याल में मैंने सबके अम्मी अब्बू का नाम ले दिया है कि उस्मान साहब एक एकेडमी है, एकेडमी नो डाउट, तो अगर उनके साथ आप काम कर सकते हैं ना, तो मेरे ख्याल में फिर कभी आप किसी से मार नहीं खा सकते। अच्छा, आपका नाम है हनी शहजादी, जस्ट मेरा नाम है हनी और शोबिस का नाम है शहजादी, शहजादी हनी शहजादी, तो ये इंग्लिश और उर्दू का जो कंपैरिजन है ये समटाइम कंफ्यूज नहीं कर देता आपके फैंस को? एक तरफ शहद है, एक तरफ कोइन है। अरे क्या बात है, नाज़रीन देखें कितना शहद है और कोइन है, इंटेलिजेंट इन्होंने जो है वो मतलब मुझे भी स्पीचलेस कर दी है। हालांकि 22 साल में मैं कभी भी, मैंने सीएम्स के भी इंटरव्यू लिए हैं, पीएम्स के भी इंटरव्यू लिए हैं, मतलब 22 साल गुजर गए ना इंटरव्यू लेते हुए, लेकिन जैसा आज एक कॉम्पैक्ट जवाब दिया ना हनी ने, हनी मैं आपकी इंटेलिजेंस का ना, मैं लिटरली मैं ऑन एयर कैमरे में कह रहा हूँ कि मैं आपका फ़ैन हो गया हूँ। तो मेरे प्रोग्राम में एक चीज़ होती है और वो होती है कि जो आप जैसे पब्लिक सेलेब हैं, क्योंकि लोग आपकी बहुत बात मानते हैं, आपको अपना आइडियल मानते हैं, तो कोई मैसेज पाकिस्तान की पब्लिक के लिए और यूथ के लिए आप देना पसंद करेंगे? जी मैं ज़रूर, डेफिनेटली क्यों नहीं, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिलता है जब भी,
तो मेरी कोशिश होती है फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि मैं अच्छा कोई प्लेटफॉर्म मिले, अच्छा चैनल हो, अच्छे चैनलों के लिए मैं अच्छा इंटरव्यू करूँ बजा के, मैं जगह जगह जाके। मैं नहीं ये काम करती, मैं ये अपील करूँगी अपनी पाकिस्तानी कौम से, आवाम से, खुदारा अब सोचने का वक्त नहीं है, अब करने का वक्त है। सोचें मत, करें जो करना है। इसलिए इससे ज़्यादा जब आपके बच्चे बिक जाएंगे बाज़ारों में, बहनों के सर से दुपट्टे उतर जाएंगे, माएँ आपकी गलियों में रुलेंगी, माँ बहन इज्जत, चाहे वो किसी शोबिस में हो, वो बैंक में हो, वो पुलिस में हो, वो कोई शोभा भी हो काम करने वाला, जो औरत अपने घर से बाहर निकलती है काम करने के लिए निकलती है, बहुत मुश्किल से काम करके अपने घर अपनी इज्जत को बचा के लेके आती है, लोगों की नज़रों में वो फिर बुरी होती है, लेकिन वो मर्दों की शाना बशाना खड़े होकर काम करती है। अगर 3.5 साल में ये हमें थोड़ा सुकून रिलीफ मिला था, हम आज़ाद फील कर रहे थे और हर चीज़ से पाक थे, खुदा का वास्ता है, फैसला करें हमें डूबना है, मरना है, जिंदा रहना है, माँ बहनों की इज्जतों को सेव करना है, जितनी महंगाई है या के बिकती हुई आप लोगों ने देखनी है, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग फैसला करेंगे आप किसका साथ देंगे। खुदा का वास्ता है, सबको महफूज करना, ये कौम 22 करोड़ आवाम जो है ये इनका हक बनता है कि सबको महफूज करें, सबकी इज्जतों को महफूज करें, सबकी जानों को महफूज करें, बजा के किसी चीज़ में बलबले में जोश में एक जैसे ये पॉलिटिशियन खेलते हैं पॉलिटिक्स वाले, ये मत करें। बस अब डिसीजन लेने का टाइम है और वो ले लें। जी नाज़रीन, इतना खूबसूरत मैसेज, एक कॉम्पैक्ट मैसेज जो कि पूरी पब्लिक के लिए, न सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को मुखातिब किया बल्कि आप लोग जो 105 मुल्कों में मुकीम हैं पूरे यूरोप में, रादर वो इटली है, ऑस्ट्रेलिया, आप सब लोग देख रहे हैं, अभी आप हम लोगों को देख रहे हैं, आप हनी की बातें आप सुन रहे हैं, तो अब फैसला आपने करना है कि आपने किस साइड पर जाना है, पुराना या नया पाकिस्तान, जो आप लोगों को अच्छा लगे। हनी का जो मैसेज था वो न सिर्फ 22 करोड़ पाकिस्तानी आवाम के लिए था बल्कि आप लोग जो 105 कंट्रीज़ में बैठ के हमें देख रहे हैं, हनी का मैसेज सुन रहे हैं, ये आपके लिए है। अब डिसीजंस जो हैं वो आपके हाथ में हैं, बल्कि इनफैक्ट हनी ने ये मैसेज दिया, एक कॉम्पैक्ट मैसेज दिया उन्होंने, उन्होंने कहा कि अब सोचने समझने का टाइम गया, अब आपने एग्जीक्यूट करना है, डिलीवर करना है कि आपने अपने आप को किस साइड पे लेके जाना है, नया पाकिस्तान या पुराना पाकिस्तान। नाउ बिकॉज हनी को ये बड़े अच्छे तरीके से पता है कि अल्लाह ताला के बाद असल पावर जो है वो अवाम है, अवाम जिसको चाहे तख्त पर बिठा दे, अवाम जिसको चाहे तख्ते पर चढ़ा दे, तो फाइनल डिसीजन, फाइनल अथॉरिटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद आप लोग हैं। हनी मैम के एक इंतहाई खूबसूरत मैसेज के साथ फहद नवाज आपसे इजाज़त चाहता है, अगले प्रोग्राम में एक और पब्लिक स्लैब के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।